ありがとファンファン。 हेलो गाइस नमस्कार तो फ्रेंड्स हम बनाएंगे आज दिल वाली पॉकेट तो ये फ्रेंड्स दिखने में इसका लुक जो है दिल की तरह ही होता है इसलिए मैंने इसका थंबनेल दिल वाली पॉकेट बनाया तो सबसे पहले साइड से हम इसको ऐसे मार्क करेंगे ये एक मार्क कर लेंगे स्ट्रेट ठीक है मार्क कर लिया उसके बाद में डेढ़ इंच फ्रेंड्स यहाँ ऊपर से हम इसका मार्क करेंगे ठीक है और जैसे कि ओपनिंग रखते हैं अपन छः इंच की तो ये छः इंच का यहाँ पे मैं एक मार्क कर लेता हूँ ठीक है इसका दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये अपने पॉकेट का मार्जिन है ये वाला मार्जिन रहेगा पूरा ही और यहाँ से फ्रेंड्स मैं मार्क करूँगा इस तरफ को इस तरफ को मार्क करेंगे छः इंच का ठीक है ये छः इंच का मार्क कर लिया इस तरफ भी छः इंच का मार्क करेंगे ये और इसको भी कर लेते हैं सीधा ये फ्रेंड इसको भी मैं कर लेता हूँ ऐसे सीधा नीचे की तरफ मैं कर देता हूँ ये वाला मार्क ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं ये तीन इंच का पौने तीन इंच का ये मार्क कर देता हूँ ये पॉकेट का डीप वाला हिस्सा है दोस्तों इसको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं मैं इसको पौने तीन पे ही रख रहा हूँ और उसके बाद ये पॉकेट दिल की तरह दिखेगी तो अब हमें यहाँ से इस वाले ऊपर वाले एज से यहाँ पे सेपिंग देनी है दोस्तों ऐसे राउंड में राउंड करके इस वाले पॉइंट से मिला देंगे ऐसे इस वाले पॉइंट से ऐसे मिला देंगे और इसको दे देते हम एक सेफ ये इस तरह से इसका सेफ़ होगा दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से इसकी सेफिंग होगी ये राउंड रहेगी पूरी और यहां पे जाके थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ेगी अपने इस वाले पॉइंट पे तो ये इसका दोस्तों नीचे का जो है ये जो डीप रहेगी वो वाला एरिया है। और अब यहां से हम इस सेफिंग को लेके जाते हैं यहां पे और इससे मिला देते हैं ये ये हमारी इस वाली लाइन पे ये पॉकेट दोस्तों ऐसे मिल जाएगी ठीक है तो ये अपनी पॉकेट है और यहाँ पे जो नो ये है यहाँ पे अपनी पॉकेट बनेगी और ये इसका जो पॉकेट का कवर रहेगा तो मैं इसको कट करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए और दिल की तरह ये कैसे दिखेगी उसके लिए दोस्तों मैं आपको दूसरे वाला इसका जो है एक पॉकेट कट करके ही दिखा देता हूँ ताकि ये दिल की तरह लगे इसलिए मैंने इसको दिल वाला पॉकेट बताया है वैसे पैटर्न तो दोस्तों ये एक ही है इससे आप चार पल्ले काट लीजिए तो चार पल्लों से आपकी दोनों साइड की पॉकेट हो जाएगी अगर एक सिंगल लगानी है तो आपको ये दो ही पल्ले काटने अभी आप देख सकते हो ये ऐसे अपने ये आप देखिए पूरा दिल ही बन गया है ये है ना दोस्तों तो ये दिल की तरह ही दिखती है अगर सिंगल पॉकेट बनानी है तो आपको ये दो टुकड़े चाहिए ऐसे और डबल पॉकेट बनानी है तो इसके चार टुकड़े चाहिए और ये पॉकेट ये ऊपर का एरिया है ये नीचे का है और यहाँ पे अपनी ये पॉकेट बनेगी तो यहाँ पे मैं नोच करके दिखा देता हूँ ये पॉकेट का ये नोच है ये दोस्तों ये नोच है ठीक है ऐसे ये नोच हो गया ताकि हम लगाएंगे उस वक्त हमें पता रहेगा कि पॉकेट की ओपनिंग जो है इतनी रहनी है तो ये फ्रेंड्स अपनी जो पॉकेट है आपको अगर साइड सीम पे अगर सीधी पॉकेट बनानी है तो ये वाला मार्क है इसकी तरह अपन सीधी पॉकेट बनाएंगे इसमें आप दोस्तों डिजाइन भी कर सकते हो डिज़ाइन के लिए अगर मान लो यही चीज़ हमें यहाँ से अगर ऐसे तिकोनी बनानी हो कैसे भी अगर आपको बनानी हो तो आप इसको ऐसे तिकोनी भी बना सकते हैं जैसे कि मैं मार्क कर देता हूँ आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो ये पॉकेट आपकी ऐसे भी बन जाएगी ठीक है ये वाली पॉकेट भी बनेगी और ज़्यादातर हम ये बनाते हैं दोस्तों यहाँ पे कर्व दे देते हैं और ये पॉकेट होती है फ्रेंड्स इसमें आप ये पॉकेट भी बना सकते हैं ये वाली पॉकेट बना सकते हैं और हम यही बनाएंगे तो मैं इसको फैब्रिक कट कर लेते हैं और इसको बना तो ये फ्रेंड्स हमारा बेस फैब्रिक इसके ऊपर हम ये पीस रखेंगे तो इसको कट कर लेते हैं हम ये जो हमारा पैटर्न है इसके ऊपर हमने ये पैटर्न रख के और इस वाले को ये जो टुकड़े हैं इसके हमने काट लिए तो फ्रेंड्स स्टिचिंग करने के लिए ये आप देख रहे हैं फ्रंट है फ्रंट की एक साइड है जो हमारी ये वेस्ट वाली साइड आती है वेस्ट वाली साइड है ये यहाँ से स्लीट स्टार्ट हो रहा है ये स्लीट है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है राउंड में और इसके अंदर हमें क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ पे दो सूत की हमें पट्टी दिखानी है दो सूत की पट्टी दिखानी है तो ये पट्टी भी हम लगाएंगे पट्टी के लिए मैंने ये बायर्स के अंदर काटनी है दोस्तों उरेब में तब आपकी राउंड लगेगी और पट्टी बनेगी सीधी नहीं लगेगी दोस्तों बायर्स में ये मैंने उरेब काट लिए और इसको क्या करेंगे जो हमने टुकड़ा काटा है उस वाले टुकड़े को हम देंगे इसके नीचे ये ये मैंने रख लिया इसके नीचे ऐसे और इसको भी कट कर लेंगे स्टिच एक लगाने के बाद में तो मैं इसको यहाँ पे स्टिच करके फिर हम इसको कट कर लेते हैं बनाते हैं पॉकेट अब ये हमारे एक तरफ का दोस्तों ऐसे लग गई है पॉकेट और अब हम इसको तो फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद मैं इसको कट कर लेते हैं तो ये एक पल्ला हमारा पॉकेट का इसके साथ जुड़ गया ये ठीक है और अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग तो पाइपिंग वो पट्टी लगाने के लिए सॉरी हम इसको उल्टा इस तरफ करेंगे और यहाँ से करेंगे शुरू और पलट के ऊपर फिनिश कर देंगे और इस वाली पट्टी को थोड़ा सा खींच के लगाएंगे ताकि अपना राउंड जो है बन जाए तो यहाँ से करेंगे शुरू और लगाएंगे मार्जिन दोस्तों कम रखेंगे एक बूट का और थोड़ा खींच के लगाएंगे क्योंकि इसमें कर्व है तो कर्व में अपनी पट्टी ऊपर प्रॉपर आनी चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा खींच के लगा रहा हूँ हल्का सा ये लगा दिया मैंने इसको देखिए ये लगने के बाद पट्टी अपनी जहाँ खींच के लगाने का मतलब ये है दोस्तों ये ऑटोमेटिक घूम रही है बायस जहां भी होता है थोड़ा सा अगर अगर कर्म में लगाना है तो खींचना है नहीं तो नहीं खींचना अब ये पट्टी हमारी ऐसे दिखेगी अब हम इसको ऐसे पलट के यूँ पलट के दोस्तों इसके ऊपर ये ऐसे कर देंगे तो ये हमारी पट्टी की तरह दिखेगी तो मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बिल्कुल बैठी हुई पॉकेट बनी है अगर हम खींचते नहीं तो ये ऐसे बराबर बैठी हुई नहीं बनती और ये पट्टी देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर और राउंड के अंदर जैसे अपनी पॉकेट है वैसे ही आई है और इसके अंदर नीचे का हमें फिनिश करना है तो ये हमें सेम रखना है दोस्तों ये रखना है ऐसे ताकि ये सेम रहे तो हमने एक टुकड़ा तो इसका काटा है अंदर वाले का और दूसरा काटा इसका तो इसको हम क्या करेंगे ये जो हमारी उल्टी साइड है आप देख पा रहे होंगे ये उल्टी साइड है जो है जैसे हमारे राउंड में पॉकेट ये लगी हुई है इसी के ऊपर हम ऐसे रखेंगे इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर बिठा लेंगे ऐसे जो हमारा टुकड़ा उस साइड वाला जो लगा है उसके ऊपर रखेंगे ऐसे और इसको हम ऐसे पकड़ के अलग से दोस्तों ऐसे पकड़ के हम इसको राउंड में पूरा स्टिच कर देंगे तो मैं इसको कर देता हूँ स्टिच और यहाँ से कर लेते हैं हम शुरू और इसमें हम ओवरलॉक कर देंगे दोस्तों और ये देखिए आप पॉकेट हमारी ये बन के तैयार है ये ये हमारी पॉकेट दोस्तों बन के तैयार है और इसके ऊपर यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से कर देते हैं पक्का यहाँ से इसको पक्का कर देते हैं और यहाँ से भी इसको जहाँ से हमारा मार्जिन आ रहा है जो वेस्ट वाला हम मार्जिन लेंगे वो दोस्तों यहाँ से ऐसे आएगा ऐसे सेप जो वेस्ट का सेफ आएगा दोस्तों वो यूँ आएगा तो ये हमारी ओपनिंग इतनी हमारी ये ओपनिंग रह जाएगी ये आप देख रहे हैं ये घूम के ये हमारी साढ़े छः से सात इंच की ओपनिंग हमारी रह जाएगी जो सही है पूरी है तो यहाँ से ऊपर से हम इसको कर देते हैं पैक कर देते हैं और वेस्ट का मार्क जो उधर है लगा के और इसको फिनिश कर देंगे तो अब ये दोस्तों ये हमारी जो पॉकेट है वो बन के तैयार है और इधर से हम कर देंगे इसको जो है ये ओवरलॉक मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं पॉकेट जो मैंने इसको ओवरलॉक कर दिया है और ये हमारी ओवरलॉक करने के बाद में ये आप देख पा रहे हैं ये जो पॉकेट है हमारी तैयार हो चुकी है ठीक है फ्रेंड्स और अब हम इसको फिनिश करके पूरा आपको दिखाते हैं हाँ तो गाइज आप देख सकते हैं ये अपनी साइड की पॉकेट है ये कुर्ता है और कुर्ते की ये साइड की सीम है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये स्लिट है नीचे की तरफ ये स्लिट है और ये पॉकेट है फ्रेंड्स ये आपको दिखाऊं मैं हाथ डाल के तो ये पॉकेट जो है इस तरह से अपनी पॉकेट जो है दिखेगी तो इस तरह से ये दोस्तों इसका लुक जो है रहने वाला है और तो बहुत ही सुंदर पॉकेट होती है फ्रेंड्स